इंडस्ट्री के ऊपर ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो चार्जेस आई हैं कि तकरीबन जो ओरिजिनल बजट था वो 1,444 अरब रुपए का था, जो कि बढ़ के तकरीबन 1,493 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री के साथ हुआ, और उस पे फॉर्मेशन लेवल तक मुसलह बाद में वहाँ पे बेतहाशा ऑडिट ऑब्जेक्शन आई हैं। और मैंने स्पीकर से ये कहा कि स्पेशल कमेटी बिठानी चाहिए जो कि ये ऑडिट ऑब्जेक्शंस को देखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देखेगी, पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन ऑडिट ऑब्जेक्शंस को या क्लोज करेगी या कमा देगी, पर सिस्टम में जो प्रोक्योरमेंट है, जो कैश पे आ रही है, जो वेंडर्स को नहीं सेलेक्ट किया जा रहा, पेपरा रूल्स की वायलेशंस है उसके ऊपर। और दूसरी मैंने एक अहम बात की कि जो आपका हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 जो है उसको उन्होंने उड़ा दिया, उसके अमेंडमेंट्स किए हैं, और कश्मीर में इस वक्त हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि अभी किसी किस्म के बायलैटरल टॉक्स की ज़रूरत नहीं, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को उसी वक्त आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। इन चीज़ों पे तो ख्वाजा आसिफ ने बात की नहीं, वो ऊट पटांग मार रहा है, उसकी गलती नहीं, वो बेचारा खिसक गया है, जहन उसका खिसक गया है, और वो ऊट पटांग ज़्यादा मारता है, सेंस वो कम बोलता है, और उसके अपने पार्टी वाले लोग भी उससे काफ़ी तंग हैं। सो लिहाजा ख्वाजा आसिफ को अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर या तो अबूर है या उसको कोई वहाँ पे छोड़ता भी है तो फिर उसको जवाब दे ही देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, ये बताएं कि 8 सितंबर को क्या पीटीआई जो इस्लामाबाद में जो है जलसा करने जा रही है या पहले की तरह फिर? इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के हुक्म के मुताबिक हम लोग बिल्कुल भरपूर जलसा करेंगे। 22 तारीख को इसलिए मनसूख हुआ था क्योंकि ख़त्म नबूवत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मजहबी पार्टी आ रही थी वहाँ पर, और उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये थी कि वहाँ पर ख़त्म नबूवत पर समात हो रही थी, केस की समात हो रही थी, लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब आशिक रसूल हैं, वो मदीना मुनव्वरा जब जाती हैं तो नंगे पाँव जाते हैं, जलसे जुलूस होते रहते हैं, पर ख़त्म नबूवत पर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और कल ये भी मैंने कहा था कि 7 सितंबर को जॉइंट सेटिंग होना चाहिए पार्लियामेंट की, क्योंकि 50 साल होंगे कि कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, तो लिहाजा उस चीज़ का यहाँ पे जॉइंट सेटिंग ज़रूर होना चाहिए, वो एक लैंडमार्क एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ के बारे में मेरे भाई ने पूछा कि मुज़ाकरात के बारे में, हमारे इस वक्त सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने अजगज़ई साहब को एम्पावर किया हुआ है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से जो बातचीत करें वो ज़रूर करें, उसके अलावा हमने न किसी से मिन्नत तरले की है न कुछ किया। मिन्नत तरले की है तो ख्वाजा आसिफ ने की है, जब वो ब्रिगेडियर घुमन जो इस वक्त हमारे MNA भी हैं और एक ज़माने में सेक्टर कमांडर थे इस एरिया के, सियालकोट और इस रीजन के, वहाँ पे उनसे उन्होंने ज़रूर मिन्नत तरले करते थे वो, और रोते भी थे, और उसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ के जो आपके प्लेटलेट्स जो गिरती थी तो वो इंटेलिजेंस एजेंसीज वो फैब्रिकेट करते थे, वो रिपोर्ट्स और गलत रिपोर्ट्स काबीना को पेश होती थी, और उसके ज़रिए नवाज शरीफ यहाँ से मुल्क से बाहर गए और वहाँ पे जाके माशाल्लाह वो चलते फिरते रहे। तो लिहाजा वो और NRO लेने के लिए राणा सना ने भी कहा था कि उन्होंने जनरल बाजवा के साथ मिलके वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, और एक चलती हुई मईशत को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, और आज भी उसका खुमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइएगा PTI की आदत में मेरा नाम तारिक राणा ने एजीए न्यूज़ से हूँ, एक शख्स की बदौलत आप लोगों की पार्टी जो है इस वक्त अताब का शिकार है, और वो शख्स किस चीज़ पे बजिद है कि जब तक तहरीक इंसाफ माफ़ी नहीं मांगेगी 9 मई की, वो माफ़ी देने के लिए आपको तैयार नहीं है, आपको स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैच तो दोनों तरफ फंसा हुआ है, आप अगर सियासी पार्टी हैं वो तो नहीं मानेंगे क्योंकि उन्होंने कभी माफी मांगी भी नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है, हम लोग मेरा पूरा सवाल सुनो, उन्होंने माफ़ी मांगी भी नहीं कभी जिंदगी में, जब ये मुल्क दौलत हुआ था तब भी माफ़ी नहीं मांगी थी, और भी बहुत सारे मामला हुए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, कारगिल का मामला आया तब भी माफ़ी नहीं मांगी थी, अब भी वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर आप माफ़ी मांग लेते तो इसमें क्या कोताही है? बड़ा अच्छा सवाल है, हम लोग माफ़ी मांगते हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफ़ी मांगने की बात नहीं है। 9 मई का जो सिलसिला है वो सामने लाएं, वो CCTV फुटेज लाएं,
دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں وہ پرامن ہیں. آج بھی ہم لوگ یہ انشداد دہشت گردی عدالت کے سامنے ہیں. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پہ ہے وہ سامنے لائیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ جو لوگ اس میں ہیں ان کو کنوکٹ کریں. جس طرح یو ایس کانگریس میں لوگ جو کیپٹل ہل میں گئے تھے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی, جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی ان کو کنوکٹ کیا. یہاں پہ بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لاتے نہیں ہیں. 18 اگست کا جو آپ کا جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا تھا, جو وہاں پہ لاٹھی چارج ہوئی اس گاڑی کے اوپر, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کے بونٹ کے اوپر میں کھڑا تھا. میرے دائیں طرف مراد سعید تھے, میرے بائیں طرف زلفی بخاری صاحب تھے, اور بیرسٹر گور صاحب اور شبلی صاحب نے آ کے کہا کہ جی یہ ٹریپ ہے. گاڑی کا بونٹ اندر جا رہا تھا اور وہاں سے ہم لوگ نکلے تھے, اور جو وہاں پہ توڑ پھوڑ یا یہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ تھی, جو پتھراؤ تھا, جو لاٹھی چارج تھا, وہ تو آپ کے ایف سی اور پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے کیا تھا. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے؟ وہ سامنے لائیں تو پتہ لگے گا. معافی میں پھر مانگتا ہوں, میں پھر بات کرتا ہوں کہ جناب معافی ہم لوگ رب العزت سے مانگتے ہیں گناہوں کی. جب کوئی غلط آدمی کام کرتا ہے تو اس کی مانگتا, ہم نے تو غلط کام کیا ہی نہیں ہے کوئی. نیکسٹ. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. بات اسی طرح ہی ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی جس شخص نے کسی کو قتل کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں قبر کھودی اور اس میت کو وہاں پہ دفن کیا, چیلیں لگائی اور مٹی ڈالی, یعنی کہ جو مردہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کی میں مثال دے رہا ہوں, اور جنہوں نے یہ کیا اس میں جنرل باجوہ ہیں, اور جو آپ کے باقی سیاسی پارٹی ہیں جس میں مسلم لیگ نون ہے, ایم کیو ایم ہے, آپ کی اللہ بھلا کرے پیپلز پارٹی ہے, ان سے ہم لوگ بات کریں بھائی کیسے؟ قصوروار تو وہ ہیں, معیشت کو انہوں نے زمین دوز کیا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 6% گروتھ ریٹ پہ چلنے والی اور ابھرتی ہوئی معیشت وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اکنامک سروے کہہ رہا ہے, جو کہ ہمارے بعد سروے آیا تھا. 17.5-18 ارب ڈالر کے ریزروز تھے, بجلی کا یونٹ 17 روپے یونٹ تھا, بجلی وافر تھی, لوڈ شیڈنگ 80% علاقوں میں ہوتی نہیں تھی, 20% جو تھی وہ ہائی لاس ایریاز میں تھی. تو لہٰذا ایک چلتی ہوئی معیشت کو انہوں نے تباہ برباد کیا, اور اس وقت لوگ بیرون ملک سے آ کے پاکستانی ادھر بسر ہو رہے تھے. ابھی تو الٹا ہے, پاکستانی لوگ, پاکستانی ہمارے نوجوان وہ پاسپورٹ کے لیے لائن لگائی ہوئی ہیں اور ملک سے باہر جا رہے ہیں. بہت شکریہ.